हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना शर्मा। आज मैं आप सभी के लिए फेस्टिवल स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो ये लड्डू की रेसिपी है और इसमें मैं दो तरह के कोकोनट लड्डू बनाना बताऊँगी आपको। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लेकर के रखे हुए हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ में मैं थोड़ा बहुत बताते भी जाऊँगी, तो ध्यान से देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये जो है यहाँ पर मैंने तैयारी की है पान के लड्डू बनाने के लिए कोकोनट के। तो पान लड्डू कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले एक बड़ा बोल ले लिया है मैंने और यहाँ पर मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। तो ये सूखा नारियल है, ये हर जगह मिल जाता है आसानी से। और ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, कंडेंस मिल्क को मैंने घर पर ही प्रिपेयर किया है, आप मार्केट से भी ला सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो ये 3 बड़े चम्मच मतलब 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ। इतना यूज़ करेंगे हम 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट या सूखे नारियल में, जितना कि हमारा आसानी से लड्डू बंध जाए उस टाइप की कंसिस्टेंसी उसकी हो जानी चाहिए मिक्सचर की आपके। तो बस ये टोटल 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर लिया है और बस इसे बहुत अच्छे से आप मिक्स करेंगे। एक साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें कभी भी, वरना ये गीला हो जाएगा मिक्सचर। और अगर गीला हो जाता है तो आप फिर क्या कीजिए, उसमें और थोड़ा सा नारियल ऐड कर लीजिए तो बिल्कुल आपके लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे। तो ये मिक्सचर प्रिपेयर हो चुका है हमारा लड्डू का और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ इतना मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं 3 बड़े चम्मच। तो बस अब यहाँ पर हम कलर ऐड करेंगे, ग्रीन कलर चाहिए, पान का कलर चाहिए हमें इसमें। तो ये एडिबल ग्रीन कलर मतलब खाने का जो कलर होता है ग्रीन वाला, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ताकि ये बिल्कुल पान जैसा दिखाई दे। तो क्योंकि हम पान लड्डू बना रहे हैं तो इसलिए पान का कलर होना चाहिए। तो बस ये ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। 1 बड़े चम्मच मैं इसे ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया है लड्डू वाला जो ग्रीन कलर का हमें चाहिए था। तो कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसे एक तरफ कीजिए आप। और यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो है मैंने स्टफिंग ली है पान की, पान की जो स्टफिंग होती है जो पान के अंदर भरी जाती है, ये वो है गुलकंद और बाकी सारी चीज़ें, सौंफ और बारीक टुकड़े पान के हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पूरा पान की जो स्टफिंग होती है पान का फ्लेवर वो है ये इसमें। तो काफ़ी मीठा सा और टेस्टी सा होता है ये, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। जो मुखवास की शॉप होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मुखवास वगैरह मिलता है, वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं या पान वाले से भी ले सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लीजिए और इसे गोल कर लीजिए लड्डू के जैसा, और थोड़ा सा इसमें बीच में जगह बनाइए उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से। और बस क्या करेंगे हम, फिर थोड़ी जो स्टफिंग ले रखी है हमने वो हमें इसमें डालनी है, भरनी है अंदर। तो थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड करेंगे कि जब आप इसे खाएं या जो भी खाए कोई भी गेस्ट आपका फेस्टिवल के टाइम में आए जो, तो उसे हल्का सा फ्लेवर आएगा पान का मुँह में खाते ही। तो बस इस तरीके से डाल करके आपको धीरे धीरे से चारों कोनों से मिक्सचर को उठाते हुए दबा देना है ऊपर की तरफ ला करके। और बस हम फिर हल्के हल्के हाथों से इसे अपने हाथ से दबाते हुए फिर लड्डू का शेप दे देंगे और बिल्कुल गोल सा कर देंगे। तो हमारा पान लड्डू इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा और इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना करके तैयार करेंगे। तो कितनी आसान सी मिठाई है ना, बिना गैस जलाया बना करके तैयार कर सकते हैं 10 मिनट में बस घर पर अपने। और इस रक्षाबंधन में ट्राई कर सकते हैं या आगे कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनमें बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक लड्डू प्रिपेयर कर लिया है और आगे भी मैं सारे मिक्सचर से ऐसे ही पान लड्डू बना करके प्रिपेयर करूँगी। तो बस ऐसे ही सेम प्रोसेस में दोहराती जाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं, यकीन मानिए बिल्कुल पान जैसे लगते हैं खाने में। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे और आगे आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है। फ्रेंड्स, मैं आगे ऐसी ही रेसिपीज़ और लेकर आगे आऊँगी और क्योंकि ये भी फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हुआ है इसलिए, तो आप कंटिन्यूसली बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। और मुझे बताते रहिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
तो जो बाकी रेसिपीज़ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मिठाइयों की, फेस्टिवल्स की, उन्हें भी आप ज़रूर चेक कीजिए एक बार, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो देखिए नेक्स्ट जो लड्डू है वापस मैं उसे भी इसी तरीके से बना रही हूँ। तो बस ऐसे इस तरीके से आपको इसे कर लेना है अंदर स्टफिंग भरने के बाद में, और बस क्या करना है फिर वापस गोल सा कर देना है लड्डू जैसा, और लड्डू के शेप में बनाकर प्रिपेयर कर लेना है, और बस ऐसे ही सारे बना करके हम तैयार कर लेंगे। मैं इन लड्डुओं को प्रिपेयर करके थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लूँगी, और ये देखिए हमारी फेस्टिवल के पान लड्डू तैयार हैं बन करके बिल्कुल टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे बना करके तैयार कीजिए आप और मज़े लीजिए अपने फेस्टिवल का अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। और ये देखिए मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लड्डू आप घर में प्रिपेयर कर लीजिए, और अभी तो इस टाइम में बाहर की मिठाई खाना ही नहीं है हमें, तो घर पर बना लीजिए। तो बस ये देखिए मैंने इसे ऐसे तैयार किया है। नेक्स्ट कोकोनट लड्डू है विद ड्राई फ्रूट्स, तो कैसे हम इन्हें तैयार करेंगे ये देखिए। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 1 कप, और इस डेसिकेटेड कोकोनट को भी हम पहले लड्डू के मिक्सचर जैसा प्रिपेयर करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ में। तो ये कंडेंस मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर, और कलर लिया है फूड कलर, और ये ड्राई फ्रूट मिक्सचर है, इसमें कटा हुआ पिस्ता, बादाम और किशमिश है। किशमिश को मैंने नहीं काटा है, बाकी ड्राई फ्रूट्स को बारीक सा काट लिया है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस क्या करना है, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट में आपको 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क मिला लेना है, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये मिक्सचर बन करके तैयार हो जाए लड्डू जैसा। तो ये देखिए हम इसे अब अच्छे से बाइंड कर सकते हैं, ये ऐसा बन गया है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट हमें, ये देखिए मेरा जो कंडेंस मिल्क है इतना बच चुका है इसमें भी, तो बहुत कम सामग्री में बनकर के रेडी हो जाता है। ये सारे लड्डू दोनों ही टाइप के हैं, बहुत आसान हैं। तो ये ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बस क्या करेंगे हम, 1 चम्मच छोटा चम्मच से ऐड करेंगे इसका इसमें, और अच्छा सा ऑरेंज कलर आ जाएगा इसे ऐड करने के बाद में हमारे मिक्सचर में। काफ़ी अट्रैक्टिव से बनेंगे लड्डू, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन करके तैयार होंगे, और मैंने अपना कुछ ट्विस्ट भी दिया है इसे, तो आगे देखिए क्या ट्विस्ट है इसमें। तो बस ऐसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपना ऑरेंज मिक्सचर तैयार कर लीजिए कोकोनट लड्डू वाला। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है बिल्कुल। और अब क्या करेंगे हम, ये जो चॉप ड्राई फ्रूट्स हैं सारे इनको ऐड कर देंगे इस मिक्सचर में, और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे मिक्सचर के साथ में। और बस अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्प्रिंकल्स। तो मैंने यहाँ पर शुगर स्प्रिंकल्स लिए हैं ये देखिए, जिन्हें हम केक में यूज़ करते हैं नॉर्मली, आप चाहे तो कलरफुल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट वाले यूज़ किए हैं, चॉकलेटी कलर के ये मेरे पास थे, तो मैंने ऐसा सोचा कि इसे ऐड करके भी देखा जाए। तो ये मैंने ऐड करके देखा और मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा और सुंदर लगने लग जाते हैं देखने में, और एक अलग सा क्रंच आ जाता है लड्डुओं में। आप जब इसे खाते हैं तो बीच बीच में लड्डू में क्रंची से शुगर बॉल्स आते हैं मुंह में, खाने में बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को भी बड़ा पसंद आएगा ये आप ऐसे बनाएंगे। तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर, हाथों को अपने थोड़ा घी से ग्रीस कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद हम लड्डुओं को बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लीजिए, इतना जितना कि एक लड्डू अच्छे से प्रिपेयर हो सके, जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हो, थोड़ा छोटा या मीडियम साइज़ का या थोड़ा बड़ा, मैं इन्हें मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो बस ये देखिए एक बड़े चम्मच बराबर मैंने मिक्सचर लेकर के हाथ में ऐसे गोल करना शुरू कर दिया है। तो बस जैसे हम लड्डू नॉर्मली घर में बनाते हैं वैसे ही हल्के हाथों से दबाते हुए आपको ऐसे हथेलियों के बीच प्रिपेयर कर लेना है। ये देखिए बनकर तैयार हो गया और कितना सुंदर लग रहा है, और आपको इसमें जो छोटी छोटी सी बॉल्स दिख रही हैं आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। तो बस सारे मिक्सचर का लड्डू जो है मैं ऐसे ही बना करके तैयार करूँगी। ये बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसे लगेंगे देखने में आपको, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। इसमें किशमिश और जो काजू बादाम हमने डाले हैं, और ये शुगर बॉल्स डाली हैं, कोकोनट है, कंडेंस मिल्क है, इसका बहुत ही शानदार टेस्ट आता है खाने के टाइम।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स इन त्योहारों के सीज़न में, और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ मैं और लेकर के आऊँगी, तो मेरे साथ बने रहिए फूड एंड मोर विद आर्ची पर। और ये देखिए हमारे शानदार लड्डू बन करके तैयार हैं, तो मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही प्रिपेयर कीजिए आप थोड़े से ही समय में। और ये देखिए थोड़ा सा कोकोनट लिया है मैंने यहाँ पर, आप अगर चाहें तो इसे और अच्छे से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से कोट कर सकते हैं कोकोनट के साथ में। तो यही मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, मैंने एक ही किया है और नहीं किए, ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।